गाइस आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ मथुरा वृंदावन के कुछ मंदिर। हमारा एक दिन का ट्रिप था और बहुत सुंदर ट्रिप था, बहुत ही आनंद आया इस ट्रिप पे हमें। तो जहाँ जहाँ में हम गए, जहाँ जहाँ हमने देखा, वो मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। इस ट्रिप में मेरे साथ मेरी आंटी और मेरी सिस्टर थी। तो हमने ट्रिप शुरू किया था उत्तम नगर से रात को 10 बजे। उसके बाद ये देखिए आप, बस में सब लोग गाते बजाते बहुत ही मज़े से गए, बहुत ही आनंद आया क्योंकि सब लोग इंजॉय कर रहे थे। उसके बाद रास्ते में भैया ने हाईवे पे होटल में रोका था, ये आप देख सकते हैं, रॉयल किंग, बहुत अच्छा होटल था। यहाँ पे खाना पीना बहुत अच्छा था और बहुत ही सुंदर इंटीरियर था और सब कुछ अच्छा था यहाँ पर। हम एक घंटा हमने यहाँ रेस्ट किया, ब्रेकफास्ट वगैरह किया, जिसने खाना नहीं खाया था खाना वाना खाया, और उसके बाद फिर हम चल दिए। हम पहुँचे उसके बाद 3 बजे सीधा शनिदेव मंदिर की। शनिदेव मंदिर है गाइस, रात के 3 बजे थे तो मंदिर खुला था, लेकिन यहाँ पे बंदर बहुत थे तो हम यहाँ पे ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाए हैं। यहाँ पे हमने दर्शन करने के बाद हम निकले हैं सीधा बरसाना राधा रानी के मंदिर। ये राधा रानी का मंदिर है गाइस, यहाँ देख सकते हैं कपाट खुले नहीं है, अभी 4 बज चुके हैं इसलिए सब सीढ़ियों पे लोग बैठे हुए हैं। यहाँ हमने आरती दर्शन किए, मंगला आरती, उसके बाद हम चल पड़े हैं मथुरा वृंदावन के लिए। यहाँ पे देखिए हमने यात्रा शुरू कर दी अपनी मथुरा में। हमने रिक्शा में यात्रा की थी गाइस, क्योंकि पैदल चलना हमारी सच में इतनी हिम्मत नहीं थी क्योंकि हम थक चुके थे सारी रात के। तो फिर हमने रिक्शा से ही यात्रा की और ये हम सीधा पहुँचे हैं। यात्रा के बीच में पड़ाव पड़ता है पूछी का लोटा। यहाँ पे दर्शन करने के बाद एक ही बहुत ही अच्छा मंदिर है, ये भी छोटा सा है, और फिर हम गए हैं श्रीनाथ जी का मंदिर जो पूछी के लोटे में ही है और बहुत अच्छा मंदिर है ये भी। यहाँ पे किसी की श्रृंगार आरती चल रही थी तो इस वजह से ज़्यादा अच्छा यहाँ पे दिख नहीं पा रहा है आपको, क्योंकि वहाँ श्रृंगार चल रहा है भगवान का। उसके बाद फिर हम यहाँ से निकले हैं गिरिराज जी के दर्शन के लिए। गिरिराज जी के दर्शन किए यहाँ पे गाइस, हर जगह पे वीडियो अलाउड नहीं है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा वीडियो बीच बीच में नहीं बना पाई हूँ। जहाँ भी हुआ थोड़ा बहुत मुझसे तो मैंने वीडियो बनाई है। गिरिराज जी के यहाँ पे बहुत भीड़ थी, यहाँ पे हमने भी दूध और जल चढ़ाया। उसके बाद फिर हम आगे चल दिए और मंदिरों के दर्शन किए हमने यहाँ से। आप देख सकते हैं जितना मैंने वीडियो में बना पाई हूँ छुपा के कैमरे को उतना मैंने बनाया, क्योंकि मंदिरों में ज़्यादा अलाउड नहीं होता है तो इसलिए फिर बीच बीच में आपको थोड़ा सा लगेगा कि वीडियो ठीक नहीं है या बहुत सी जगह मैंने मिस कर दी है तो इसी वजह से। तो बस जितना आप हो पाया मैं आपको दर्शन करा रही हूँ। यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा है गिरिराज जी का यहाँ पे, और भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, सावन है तो और ज़्यादा भीड़ होती है। बस ये कि थोड़ा सा बारिश की वजह से लोग कम आए हुए थे सोच के कि बारिश होगी, लेकिन फिर भी बहुत क्राउड था गाइस यहाँ पे। इसके बाद फिर हम यहाँ से दर्शन करने के बाद निकले हैं और फिर हम चल दिए इससे आगे, और इससे आगे हमने फिर रिक्शा में अपनी ही यात्रा शुरू की है। छोटी और बड़ी परिक्रमा दोनों ही हमने रिक्शा में ही की थी गाइस। गाइस ये है राधा कुंड, यहाँ पे राधा कुंड, ललिता कुंड, बहुत सारे कुंड हैं और बहुत ही अच्छा है यहाँ पर नहाने, बहुत ही अच्छा रहता है नहाना, सारी बीमारियाँ आपकी कट जाती हैं और बहुत अच्छा। यहाँ की परिक्रमा जो हमने की थी गाइस, ये हमने पैदल ही की थी, ये हमने रिक्शे में नहीं की थी। पूरा राधा कुंड की जो परिक्रमा है ये हमने पैदल ही की, और रास्ते में बहुत छोटे छोटे मंदिर हैं, आपको बहुत कुछ देखने को यहाँ पे मिलेगा गाइस। इसके बाद हम राधा कुंड की परिक्रमा करने के बाद वापस से, देखो ये बहुत बड़ा कुंड है, बहुत बड़ा और बहुत सुंदर है। इसके बाद हम फिर वापस रिक्शे में बैठ के और फिर हम चल दिए थे बिहारी जी के दर्शन के लिए। रिक्शे में भी आंटी गाती बजाती जा रही थी और बहुत ही मज़ा आया। और ये हम पहुँचे हैं उसके बाद गिरिराज जी। गिरिराज जी में भी हमने दूध से अभिषेक किया है और यहाँ पे भी बहुत क्राउड था गाइस। दूध चढ़ाने से पहले हमने यहाँ पे यमुना जी हैं, यमुना जी में हमने थोड़ा हाथ पैर धोए, क्योंकि बोलते हैं कि दर्शन से पहले आपको नहाना चाहिए, लेकिन आगे वहाँ पे पाइप वगैरह लगा दिया है। अब यमुना जी में आपको ऐसे जैसे पहले नहा लेते उस टाइप से आप नहाने को नहीं मिलता है, वहाँ पे पाइप लगाए हुए हैं और पाइप के नीचे आप खड़े होकर बड़े आराम से ही नहा सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊँगी आगे। हम लोगों ने भी वहाँ पर हाथ पैर हाथ मुँह धोए हैं और बहुत ही ठंडा पानी और बहुत अच्छा लगता है। जितनी आपकी थकावट होती है वो सब वहाँ पे हाथ मुँह धोने से ही आपकी थकावट उतर जाती है। आप देख सकते हैं आगे यमुना जी हैं, लेकिन वहाँ पे अब सब बंद करके और यमुना जल जो है वो पाइप के थ्रू आपको यहाँ पे अवेलेबल करवाया जाता है कि आप हाथ मुँह धोइए, नहाइए, जो भी आपका दिल करे आप कर सकते हैं। देख सकते हैं आप लोग नहा रहे हैं, और दीदी ने और हमने तो सिर्फ हाथ मुँह ही धोया। और उसके बाद फिर हमने गिरिराज जी के दर्शन किए, यहाँ पर दूध चढ़ाया। आप देखिए यहाँ पे वीडियो अलाउड नहीं थी तो मैं प्रॉपर नहीं बना पाई हूँ, दीदी बना रही है वीडियो, लेकिन पंडित जी ने उनको भी मना कर दिया था तो बस मैंने कैमरा थोड़ा सा छुपा के और
क्योंकि मुझे दर्शन कराने थे आप लोगों को भी और सबको, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई वहाँ पर। उसके बाद फिर हम वापस निकले हैं यहाँ से बाहर, और हम फिर और कायजम फिर वहाँ से निकल चुके हैं बस में। अब हम जा रहे हैं रमन रेती, जाना तो हमें रमन रेती था, लेकिन रमन रेती में ना जाके हम रमन रेती में ही एक जगह है ब्रह्मांड घाट। ये बहुत सुंदर मंदिर है, यहाँ पर भगवान कृष्ण अपने माता पिता के साथ हैं, और ये वही जगह है जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने अपनी माता को अपने मुख में ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे। यहाँ पर उन्होंने मिट्टी खाई थी, तो गाइस यहाँ पर मिट्टी का ही पेड़े बने होते हैं, वही प्रसाद चढ़ता है। उसके बाद फिर हम निकल दिए हैं बिहारी जी के मंदिर जाने के लिए मथुरा। तो गाइस यहाँ पे देखिए, अब ये रास्ते में हिरण पार्क बनाया हुआ है, हिरण बहुत सारे हिरण थे यहाँ पे, और साथ में ऑस्ट्रिच भी थे, शुतुरमुर्ग भी थे। मेन रोड पे ही है गाइस, अब थोड़ा सा यहाँ रुककर अगर दर्शन देखना चाहे तो ये बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे बहुत संख्या में है। फिर हम पहुँच गए वृंदावन, और वृंदावन में अब यहाँ पे मेन रोड पे ही आप देख सकते हैं, आपको दिखाई देगा वैष्णो माता मंदिर। बहुत बड़ी मूर्ति है, बहुत विशाल और बहुत सुंदर। इसके सामने ही पार्किंग में हमने अपने बस लगाई थी, और यहाँ से फिर हम निकले थे बिहारी जी के मंदिर के लिए, क्योंकि हम लेट हो रहे थे, तो हमने सोचा कि पहले हम बिहारी जी के दर्शन करें फिर हम वैष्णो माता के दर्शन करेंगे। अब हम ये रिक्शा ले लिए गाइस हमने, और यहाँ से हम चलते हैं बिहारी जी के दर्शन के लिए। फ्रेंड्स, बिहारी जी के दर्शन मैं आपको नहीं करा पाऊँगी क्योंकि बारिश हो गई थी, और इसलिए वीडियो आगे नहीं बन पाई। गाइस ये हमारा एक दिन का ट्रिप था जो बहुत अच्छा रहा, और उम्मीद है कि आपको भी यात्रा अच्छी लगी होगी।